जय श्री महाकाल दोस्तों, ज्योतिष जगत के इस अंक में आपका स्वागत है। इस अंक में हम जानेंगे कि रत्न आपको सूट होगा कि नहीं होगा। इसको जानने के लिए हम पाने का उपयोग किस प्रकार कर सकते हैं, इसकी पूरी विधि इस वीडियो में हम देखेंगे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ज्योतिष जगत बाय देव निरंजन। दोस्तों, यदि आप रत्न धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण किसी अच्छे ज्योतिष से करवाइए और उसके बाद में जो भी वो रत्न आपको सजेस्ट करेगा, आप वो रत्न अपने घर पे लाएंगे। और घर पे लाने के बाद एक यहाँ पे मैं आपको विधि बताता हूँ, उस विधि से आप चेक करेंगे कि वो जो रत्न है वो आपको सूट होगा कि नहीं होगा। वैसे अच्छे ज्योतिष से अगर आपने विश्लेषण करवाया है तो वो सूट होगा ही, और उसके बावजूद भी कुछ रत्न ऐसे होते हैं कि जिनको हमको चेक करना पड़ता है कि वो रत्न आगे आपको सूट होंगे कि नहीं होंगे। जैसे कि नीलम है, गोमेद है, लहसुनिया है। इसके अलावा बाकी रत्न भी आप इस विधि से चेक कर सकते हैं कि ये रत्न आपको सूट होंगे कि नहीं होंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, आपको इसके लिए क्या करना है, आपको सबसे पहले एक कांच का बाउल लेना है। कांच का बाउल लेना है और उसको पूरा गंगा जल से भरना है। जिस भी दिन आप रत्न धारण करने वाले हैं उस दिन आप वो रत्न उस कांच के बाउल में डाल दीजिए, बिना अंगूठी बनवाए या बिना लॉकेट बनवाए। उसके बाद में उस बाउल को आपके घर का जो मंदिर है जहाँ पे आप डेली पूजा करते हैं, उस घर के मंदिर में उसको रख दीजिए और कम से कम 3-4 दिन तक उसको रखे रहने दीजिए। 3-4 दिन में आपको क्या करना है, 3-4 दिन में आपको यह देखना है कि आपकी जो डेली रूटीन के जो वर्क होते हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ऑफिस जाना है तो आपको आप लेट तो नहीं हो रहे हैं, आपकी जो टाइमिंग है किसी काम को करने की वो टाइमिंग बिगड़ तो नहीं रही है। तो इस प्रकार से आपको देखना है कि आपका जो डेली रूटीन का जो कामकाज है वो प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है कि कम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो आप ये 3-4 दिन तक एनालिसिस कीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से हो रहे हैं, उनमें एक्यूरेसी रह रही है, आप कोई भी गलती नहीं कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि वो रत्न आपको निश्चित रूप से सूट हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बार बार आप गलतियाँ कर रहे हैं, आपकी टाइमिंग मिस हो रही है, तो इस तरह से अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको ज़रूरत से ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तो रत्न आपको बिल्कुल भी सूट नहीं होगा। इसलिए कम से कम 3-4 दिन तक आप रत्न को पानी में डाल के रखिए और उसके बाद में उसका एनालिसिस कीजिए। यदि आपको अच्छा रिजल्ट मिल रहा है तो आप उसकी अंगूठी बनवाकर या लॉकेट बनवाकर ज्योतिष के कहे अनुसार उसको धारण कर सकते हैं, अन्यथा वो रत्न आप धारण न करें तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों, देखते हैं कि ये विधि किस प्रकार से हम कर सकते हैं, इसका मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले कांच का बाउल लेना है, किसी दूसरी धातु का आपको बाउल नहीं लेना है, आपको सिर्फ कांच का ही बाउल लेना है। और जैसे कि ये गंगा जल है, आप देख सकते हैं ये गंगा जल, ये आपको किसी भी पूजा पाठ की दुकान पर आसानी से मिल जाएगा। आपको इस कांच के बाउल में इस गंगा जल को डालना है, ज्यादा नहीं लेना है, इतना लेना है जिसमें सिर्फ रत्न डूब जाए। उसके बाद आपका जो भी रत्न है, जैसे कि सुनेला है या फिर हीरा है या फिर पन्ना है या कोई सा भी पत्थर है, जैसे काला हकीक है या आपका गोमती चक्र है, या आप अगर रुद्राक्ष अगर चेक करना चाहते हैं, जैसे ये 6 मुखी रुद्राक्ष है, ये 7 मुखी रुद्राक्ष है, तो आप इसके तरीके से इसको भी चेक कर सकते हैं। आपको जैसे कि मान लीजिए कि हमको पन्ना चेक करना है कि ये पन्ना हमको सूट होगा कि नहीं होगा, तो ये कांच का बाउल है, इसमें आपने पानी डाल दिया है, गंगा जल डाल दिया है। उसके बाद में ये जो आपका जो पन्ना है, इसको पन्ने को इसमें डाल दीजिए और ये जो पन्ना है इस
डालने के बाद में ये जो बाउल है इसको आप जहाँ भी पूजा करते हैं उस मंदिर में रख दें और 3-4 दिन तक इसको रखे रहे। 3-4 दिन तक आपको क्या करना है, आपको एनालिसिस करना है कि आपके साथ में अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है। तो इस प्रकार से ये पूरी विधि है, बहुत आसान विधि है। आप रत्न धारण करने के पूर्व या रुद्राक्ष धारण करने के पूर्व इसको एक बार अवश्य कर लीजिए। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। आने वाले अंकों में आपको ज्योतिष से संबंधित अन्य जानकारियाँ भी दी जाएगी। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।